Hello students, welcome to the class. Welcome to Current Affairs with G. Rajput YouTube channel. Now, आज हम बहुत important एक topic के ऊपर discussion करने वाले हैं. That is, recently a deal has been signed between USA and Taliban. इस deal को समझने के लिए हम पहले सबसे important चीज़ क्या समझेंगे? इसका background समझेंगे. And background समझने के बाद we will be understanding it from India's perspective. Hindustan ke perspective se isko samajhne ka perspective karenge. To is topic mein hum pura India ke upar is deal ka kya impact padega usko samjhenge. Secondly, Pakistan ka kya role raha hai is deal ko leke usko samajhne ka koshish karenge. And thirdly, we will be trying to understand ki is deal ke baad India ke upar iska kya impact padne wala hai, positive impact kya padne wala hai और नेगेटिव इंपैक्ट क्या करने वाला है. देखिए, अगर आप ये पूरे का पूरा पीडीएफ चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जी राजपूत के नाम से. आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ ओपन पब्लिक चैनल, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है. क्लास के बाद ये पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल रहता है. तो अभी हम समझने का कोशिश करेंगे व्हाट दिस डील इज़ ऑल अबाउट. उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ, करंट अफेयर को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझ आना बहुत ज़रूरी है. एक बार आपको बैकग्राउंड समझ आ गया देन यू विल बी एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर में क्या है. सी, ये डील, पहले तो ये डील क्या चीज़ है. डील से पहले यूएसए ने क्यों एंट्री मारा था अफगानिस्तान में 2001. दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर अगर हम यूएसए और अफगानिस्तान के संबंध को समझना चाहते हैं. ठीक है, देखिए 2001 में क्या हुआ, 2001 में तालिबान ने क्या किया, तालिबान और उसके एसोसिएटेड टेररिस्ट आउटफिट्स, जितने भी आउटफिट्स थे, आतंकवादियों के ग्रुप थे, उन सब ने मिलके बेसिकली अटैक कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर. वहाँ पे न्यूयॉर्क में ये अटैक हुआ, वहाँ पे उनके ट्विन टावर्स थे, ट्विन टावर्स के ऊपर जहाज़ों को टकरा दिया गया एंड बहुत सारा नुकसान हुआ यूएसए का. बेसिकली ये करने का क्या पर्पस था, जितने भी आतंकवादी ग्रुप थे, तालिबान और उसके साथ में एसोसिएटेड आउटफिट्स, ये बेसिकली ये बताना चाहते थे कि जो यूएसए है इट इज़ नॉट अ हेजेमोनिक पावर. मतलब यूएसए एक सुपर पावर नहीं है एंड यूएसए ने उनके साथ बहुत गलत किया है पास्ट में. बेसिकली बदला लेने का कोशिश कर रहे थे. ये कौन सा बदला लेने का कोशिश कर रहे थे उसके लिए एक और बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा. देखिए, जब दुनिया डिवाइड हुई 1950s में, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल, लगभग ये डेकेड बहुत इंपॉर्टेंट है 1950s का, दुनिया दो हिस्सों में बट गया, एक कैपिटलिस्ट हाफ था और एक कम्युनिस्ट हाफ था. यूएसए जो था वो एक पूंजीवाद देश था, कैपिटलिस्ट कंट्री था. यूएसए नहीं चाहता था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा देश हैं वो कम्युनिस्ट बने एंड इसीलिए उसने तालिबान को बेसिकली पैदा किया अफगानिस्तान में एंड तालिबान को हथियार दिए, तालिबान को पैसा दिया, तालिबान को ट्रेनिंग दी ताकि वो किसके खिलाफ लड़ सके, रशिया के खिलाफ लड़ सके. तो ये कहना बिल्कुल सही है दैट तालिबान का जो जन्म हुआ, जो उसको पैदा किया, जो उसको बड़ा किया एंड जो उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसके पीछे यूएसए का हाथ था. बट एक बार रशिया वीक हो गया, एक बार कम्युनिज्म वीक हो गया, तो जितने भी ये तालिबानी आतंकवादी थे, जितने भी इसके और तरह के आउटफिट्स थे, वो सबको बेसिकली पैसा मिलना बंद हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एंड यूएसए ने इनको पैदा किया हुआ था तो उनको पैसा चाहिए था. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने ही एरिया में अपना सरकार बनाने का कोशिश कर दिया उन्होंने. अभी तालिबान क्या है, तालिबान एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर चलता है. ये इनका आइडियोलॉजी है फंडामेंटलिज्म. ये क्या करते हैं, दे आर बेसिकली एंटी कम्युनिज्म. इसका क्या मतलब है, ये कम्युनिस्ट के तो बहुत ही अगेंस्ट है क्योंकि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं एंड इस्लाम में भगवान का बहुत बड़ा रोल है. तो तालिबान वॉज एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी कैपिटलिस्ट भी हो गया तालिबान. तालिबान में जो भी इस्लाम में शरिया में चीज़ें हैं, जो भी कुरान में लिखा है, उसको बहुत रिजिडली फॉलो करता है. इसकी अपनी एक यूनिक इंटरप्रिटेशन है तालिबान की. तालिबान
का जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है इट इज़ एंटी वुमेन, इट इज़ एंटी मॉडर्नाइजेशन एंड इट इज़ एंटी मॉडर्न एजुकेशन एंड इट इज़ एंटी डेमोक्रेसी। तो तालिबान ना तो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, ना ही वुमेन के राइट्स में बिलीव करता है, ना ही ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है। तो ये तो तालिबान के करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी था। नो अभी क्या हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट हैज़ ट्रांसपायर्ड इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब क्या हुई है कि तालिबान जो है उसका अभी एग्रीमेंट साइन हो गया। कितने सालों के बाद एग्रीमेंट साइन हुआ है? 20 साल के बाद लगभग एग्रीमेंट साइन हुआ है। यूएसए के ऊपर जब अटैक कर दिया तालिबान ने, तो 2011 में ही इन्होंने एंट्री मार लिया अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में भी एंट्री मारा एंड इराक में भी एंट्री मारा, दो बड़े दुश्मन थे यूएसए के। पर इतने मतलब लगभग 20 सालों में अगर हम देखें 2001 से लेके 2020 तक लगभग 20 साल हो गए हैं, इन दीज 20 ईयर्स यूएसए हैज़ नॉट बीन एबल टू डिफीट अफगानिस्तान, तो उसको डिफीट नहीं कर पाया। तो 20 सालों के बाद अभी इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया है। तीन प्रेसिडेंट हैं, जॉर्ज बुश है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। जॉर्ज बुश भी लड़ते रहे अफगानिस्तान के खिलाफ, बैरक ओबामा भी लड़ते रहे और डोनाल्ड ट्रंप जिनका टेन्योर अभी ख़त्म होने वाला है वो भी लड़ते रहे। तो तीन प्रेसिडेंट्स ने ट्राई किया अपना अलग अलग स्ट्रेटजी बना के कि हम अफगानिस्तान में जितना तालिबान का आतंकवाद है उसको ख़त्म कर पाएं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज इनका जो लड़ने का तरीका है, अगर हम बात करें तालिबान का जो लड़ने का तरीका है, ये बहुत यूनिक तरीका है। इनको ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा नहीं लड़ते हैं एंड इनके अलग अलग तरह के तालिबान बन गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहता था दैट वॉज हकानी नेटवर्क, कौन सा था? हकानी नेटवर्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हकानी नेटवर्क। ना जो हकानी नेटवर्क है इट इज़ वन आउटफिट ऑफ तालिबान। तो जब भी कभी भी पीस होता है अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं है अफगानिस्तान में कभी इलेक्शंस नहीं हुए, यूएसए ने इलेक्शंस करवाए वहां पे, यूएसए ने इलेक्शंस करवाए बट इलेक्शंस बेसिकली फेल हो गए। फेल होने का क्या कारण है? जब भी कभी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, जब भी कभी सरकार बनती है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने में तालिबान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तालिबान कहता है हम डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से बेसिकली चलेंगे। तो पिछले 20 सालों से यही चीज़ चलती आ रही है, तालिबान को बेसिकली यूएसए हरा नहीं पाया। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये यूएसए है एंड ये तालिबान, मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है, ये आतंकवाद के साथ दोनों बेसिकली लड़ रहे हैं एंड तालिबान कहते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जिस तरह से जीना चाहते हैं उसी तरह से जिएंगे, यूएसए इसमें बेसिकली इंटरफेयर ना करे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जी राजपूत्स करके चैनल है मेरा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको ये सारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये जो डील साइन हुआ, इस डील में क्या हुआ है? देखिए ये डील साइन कहाँ पे हुआ, ये डील साइन किसने करवाया? ये डील साइन हुआ दोहा में। दोहा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है कतर का, वहाँ पे ये डील साइन हुआ। इस डील को साइन करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमेशा नेगोशिएट करता रहा है किसके बीच में? यूएसए के बीच में और तालिबान के बीच में। तो दोनों को टेबल के ऊपर लेके आने के लिए पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब तालिबान क्योंकि टेबल के ऊपर आ गया, बट तालिबान अपनी सारी शर्तें तालिबान ने मनवा ली है। पहला शर्त क्या है इनका कि यूएसए इनको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एक अपना लेजिटिमेट रोल प्ले करेंगे सरकार बनाने में, लेजिटिमेट रोल, जायज़ रोल अपना प्ले करेंगे, सरकार बनाएंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तालिबान के बारे में है, तालिबान की ये डिमांड थी कि यूएसए के जितने भी सोल्जर्स हैं, चाहे सोल्जर्स हैं चाहे नॉन सोल्जर्स हैं, नॉन सोल्जर स्टाफ है, वो सब यूएसए बेसिकली हटाएगा। तो इस एग्रीमेंट में अभी क्या डिसाइड हुआ है कि यूएसए अब उन सारे सोल्जर्स को बेसिकली हटा लेगा, पर वो एकदम से नहीं हटेगा। देखिए मैंने पीपीटी में आपको मेंशन करके बता दिया यहाँ पे कि वो फेज्ड मैनर में हटाए जाएंगे। तो जितना भी कोलेशन, सिर्फ यूएसए के यहाँ पे सोल्जर्स नहीं है, और भी कंट्रीज़ के यहाँ पे सोल्जर्स हैं जो यूएसए के साथ लड़ रही थी, जैसे यूके के हैं, फ्रांस के हैं, कुछ जर्मनी के सोल्जर्स भी हैं।
तो वो सारे सोल्जर्स धीरे धीरे यहां से हटा लिए जाएंगे। तो ये अभी एग्रीमेंट में साइन हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है अफगानिस्तान की, जब ये डील साइन हुआ, उस डील में उस डेमोक्रेटिक सरकार को बेसिकली इन्वॉल्व नहीं किया गया, बट हिंदुस्तान को क्या इन्वॉल्व किया गया? हाँ, हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं दोहा में, मतलब कतर, कतर में जो उनके एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान के, दोहा तो कैपिटल है ना कतर का, तो कतर में जो हमारे एम्बेसडर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। तो हिंदुस्तान ने सिर्फ विटनेस किया इस डील को, हिंदुस्तान का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो अभी फेज्ड मैनर में इसको रिमूव किया जाए। कितने, देखिए 14 महीने में सोल्जर सारे हटेंगे वहाँ पे, तो तालिबान अपनी सरकार बेसिकली वहाँ पे बना देगा। एंड तालिबान क्या कह रहा है कि वो इस्लाम के बेसिस के ऊपर अपनी सरकार बनाएगा। कहने का क्या मतलब है, फंडामेंटलिस्ट तरीके से वहाँ पे सरकार बनाएगा। दोनों साइड्स ने एक दूसरे के सोल्जर्स को पकड़ रखा है, उनको बंदी बना रखा है। तालिबान के कम से कम 5,000 प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ा जाएगा, और 1,000 प्रिजनर्स यूएसए के हैं, उनको छोड़ा जाएगा। एंड जितनी भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने जितनी भी सैंक्शंस लगाई हुई हैं तालिबान के ऊपर, यूएसए यूएन को कन्विंस करेगा कि जितनी भी आपने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं तालिबान के ऊपर, वो बेसिकली रिमूव कर दीजिए। इन सब का बेसिकली क्या मतलब है, इन सब का मतलब क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने आपको देखिए बता दिया पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कि लगभग 3 प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो यूएस के, जिन्होंने फाइट किया है इनके खिलाफ। यूएसए अपने आप को सुपर पावर तो कहता है, बट यूएसए बहुत सारी लड़ाइयां हार गया है। एक लड़ाई जो पहले यूएसए हारा था, दैट वाज विद वियतनाम, और अभी 20 साल यहां पे लड़के यूएसए बेसिकली अब इनके साथ नेगोशिएट करके वापस जा रहा है। एंड क्या ये डील सक्सेसफुल होगी? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि तालिबान आज की डेट में तालिबान एक कंप्लीट यूनिफाइड ग्रुप नहीं है। तालिबान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे आउटफिट्स हैं जो बिखरे हुए हैं, जिनकी अलग अलग डिमांड्स हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इनके साथ डील साइन करने के बाद इट विल बी ईजी, तो इतना ईजी नहीं होगा। बेसिकली अब यूएसए क्या चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती उसके ऊपर अटैक करने के लिए यूज ना हो, कि देर शुड बी रिडक्शन इन द वायलेंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इंडिया के लिए अभी ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सी वेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया को अभी ये लग रहा है कि कहीं उसके पड़ोस में एक इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट कंट्री जो पैदा हो जाएगा, वहाँ पे जो आतंकवाद है पाकिस्तान के रास्ते चलते हुए, कहीं वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू ना कर दे। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये जो है ये चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के और तालिबान के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे संबंध हैं। चांसेस ये हैं कि ट्रेनिंग मिलेगा आतंकवादियों को और हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करेगा। इस सिचुएशन में पूरी हार किसकी हुई है अगर देखा जाए, ओवरऑल यूएसए की हार हो गई है। ठीक है, बहुत सारा पैसा लग गया यूएसए का, फिर भी तालिबान को नहीं हरा पाया 20 सालों में भी। तो अगर हम ये कहें यूएसए अपने आप को सुपर पावर मानता है, किसी को भी हरा देगा, दैट इज एक्चुअली नॉट द पॉसिबिलिटी। सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास। कुछ भी आपको डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8459400000। आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। जितने भी नए लोग हैं वो 1 की स्पीड पे इसको देख लीजिए, जितने भी शुरुआत में बताना चाहिए था, एंड जितने पुराने स्टूडेंट हैं 1.5 की स्पीड पे लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जो प्रोडक्टिविटी है एक दिन से नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एंड हार्डवर्क भी आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एक दिन में पढ़ के रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यू नीड टू बी एक्चुअली कमिटेड। किसके लिए? एक्सीलेंस के लिए। और प्लानिंग कीजिए एंड फोकस्ड एफर्ट डालिए। पॉल जे मेयर ने ये कहा है ना। हु इज पॉल जे मेयर? ठीक है ना, आप में से कौन बता पाएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। हु इज पॉल जे मेयर, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, एंड डू शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि इस क्वालिटी की वीडियोस और बनना चाहिए। मेंस में आपको क्या पूछा जा सकता है
कि इस डील का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।